नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं विकास शर्मा, आप देख रहे हो एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल। मेरे किसान भाइयों, यह चैनल आप ही का चैनल है और जब भी आप इस चैनल को लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो मेरा मनोबल बढ़ता है। उसी मनोबल के कारण मैं आपके लिए हमेशा कृषि संबंधी वीडियो बनाता रहता हूँ मेरे किसान भाइयों। तो इसी प्रकार आज हम खेतीबाड़ी की बात करने वाले हैं। खेतीबाड़ी के अंदर विषय रहेगा केचुए का खाद कैसे तैयार करें। मेरे किसान भाई, केचुए का खाद भी खेतीबाड़ी में काम में बहुत काम आता है और मैं ये जो देख रहे हो केचुए का, ये एक नया प्लांट, ऐसे तो मेरा और भी प्लांट है परंतु ये जो ज़मीन खाली देख रहे हो ये मेरे ज़मीन वेस्टेज पड़ी थी और इधर मैंने अच्छा एक गोडाउन सी बना रखा है। बहुत अच्छा गोडाउन है और बहुत बड़ा गोडाउन है ये। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं यहाँ पे केचुआ का प्लांट डाला जाए। तो अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ केचुआ खाद की। मेरे किसान भाइयों, इस प्लांट से मैं ज़्यादा तो नहीं पर मंथली में 2 लाख रुपए कमा के बताऊँगा और भी इस ये जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा वैसे मैं आपको बता दूँगा, वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। तो ये जो प्लांट देख रहे हो, इस प्लांट को मैं करीब हम ये मांग चाहो 3 से 4 महीने के अंदर एक बड़ा प्लांट का रूप दे दूंगा। और केचुए के ऊपर जो छाया करने का सवाल है तो ये तकनीक भी आप देख लेना, मैं क्या काम में लेता हूँ क्या नहीं लेता हूँ। तो इसी प्रकार ये जो देख रहे हो आप, ये मिट्टी की ज़मीन है, मतलब ज़मीन के ऊपर गोबर की बेड़ बना दी है हमने। जो अपने खेतों के अंदर मिट्टी की बेड़ बनाते हैं ना, उसी प्रकार गोबर की हमने बेड़ बना दी है और इस बेड़ के अंदर हमने केचुए भी छोड़ दिए हैं। और गोबर इस जो ये जो बेड़ बनाई है गोबर की, तो जैसे कबरनुमा जैसे कब्रिस्तान के अंदर कबर बनाते हैं उसी प्रकार ये बेड़ बनाए। ये बेड़ करीब हम ये मांग के चलो 4 फुट की चौड़ाई ले सकते हो और 1 फुट या 1.5 फुट की ऊँचाई ले सकते हो। तो इसी प्रकार से हमने ये तैयार कर दिया है और शुरुआत हम 3 बेड़ से करेंगे और 3 बेड़ से ये फैलता बहुत ही बड़ा रूप ले लेगा ये प्लांट, क्योंकि केचुआ जो होता है ये 45 दिन के अंदर डबल हो जाता है गर्मियों के अंदर और 45 दिन के अंदर ट्रिपल हो जाता है सर्दियों के अंदर। तो सर्दियों के अंदर ये ज़्यादा ग्रोथ करता है केचुआ। तो इसी प्रकार से ये हमने गोबर की बेड़ बना दी है। नमी ज़रूर रखे गोबर के अंदर और नमी बढ़ाने के बाद के अंदर ये जो देख रहे हो ये बिल्कुल गाय का गोबर है और गोबर कोई सा भी हो, वेस्टेज अब आपके अगर घास फूस है वो भी डाल सकते हो मिक्स के अंदर, ये कंपोस्ट कर देगा केचुआ। अब इसे डालने का जो तरीका है वो देख लीजिए आप। हमारे ये सहयोगी है प्लांट का मैनेजर, इनको बनाया है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। राम सजन वर्मा। कहाँ से हो आप? यूपी के रहने वाला हूँ। यूपी के रहने वाले हो तो इनको मैंने यहाँ का मैनेजर बनाया है। और अब तकनीक देखिए किस तरह से हम केचुआ डाल रहे हैं। ये कैरेट के अंदर केचुए हैं और बाजार में अलग अलग रेटों में मिल जाएंगे आपको। इस तरह से आपको केचुए डालने हैं, परंतु ध्यान रखिए ऊपर की ये जो सतह है इस सतह को भुरभुरा किसी पंजे से या कृषि यंत्र से भुरभुरा कर ले, पोली जमीन के अंदर पोली कर ले इसको गोबर को। अब ये हाथ से केचुए डाल रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, केचुआ खाद अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हो तो ये केचुआ का प्लांट जरूर अपने खेत में लगाएं आप। ये देख लीजिए बहुत ही अच्छे अच्छे केचुए हैं, रेड कलर के हैं। मेरे किसान भाइयों, ये तकनीक बहुत ही बेस्ट तकनीक है। आप ऐसे प्लांट लगा के आप लाखों रुपये कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। मेरा एक और प्लांट है, मैं बताऊंगा उस प्लांट का वीडियो बनाऊंगा समय मिलेगा तब। ये देख लीजिए इसी तरह हमारा जो कृषि सहयोगी है प्लांट का जो मैनेजर है ये इसी तरह केचुआ डाल रहा है। केचुआ बहुत ज़्यादा है ये देख लीजिए आप, और देखते ही देखते ये गोबर के अंदर चला जाएगा। ये देखो ये चला गया है अंदर धीरे धीरे। केचुए को सूरज की रोशनी पसंद नहीं है इसलिए ये अंधेरे में जाना पसंद करता है। ये धीरे धीरे ये गहराई के अंदर चला जाएगा। मेरे किसान भाइयों,
तकनीक से अगर आप करोगे तो ऑर्गेनिक खेती आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी मेरे किसान भाइयों। मेरा वादा है कि आप बहुत ज़्यादा कमाओगे। ये प्लांट मैं 3 महीने के अंदर देख लेना, आपको मैं दोबारा उसी वीडियो बनाऊंगा। 3 महीने के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये प्लांट होगा मेरा, ये देख रहे हो बहुत अच्छा मेरे किसान भाइयों। ये केसों की मैं केसों पालन कर रहा हूँ और इससे मैं लाखों रुपये की आमदनी प्राप्त करूँगा। जितना मेरे खेत के अंदर काम आएगा उतना मेरे खेत में काम में ले लूँगा और बाकी के केचुए को मैं बाजार में कंपोस्ट खाद बेचूंगा और केचुए भी बेचूंगा। मेरे किसान भाइयों, केचुआ जो होता है, ये केचुआ रेड कलर का, ये 200 रुपये से लगा के और 600 रुपये पर केजी बेचा जाता है, देख लीजिए। और 1 केजी के अंदर कम से कम 1000 केचुए होते हैं, इसमें गोबर भी मिक्स आता है थोड़ा बहुत। इसी प्रकार ये देख लीजिए, ये धीरे धीरे अंदर घुस गया है केचुआ पूरा। सर्दियों के अंदर इसकी सिंचाई करते हैं, मतलब छिड़काव करते हैं पानी का, तो 4 से 5 दिन के अंदर छिड़काव करें सर्दियों के अंदर, और गर्मियों के अंदर इसका छिड़काव रोज करें, बिल्कुल नमी बनाए रखें, और नमी में ये ज़्यादा फैलता है। और इसको हमें बोरी के टांड से या खरपतवार से, कचरे से इसको ढक देंगे, जिससे केचुआ अंधेरे में रह सके और बाहर के जो पक्षी होते हैं वो केचुए को खा ना सके। इसी प्रकार ये जो बेड देख रहे हो आप, इसी बेड पर भी ये डाल रहे हैं। अब ये बेड अभी 4 फुट चौड़ी है और 40 फुट लंबी है। अब हम इसको आगे तक ले जाएंगे, ऐसे कैसे कितने भी आगे ले जाओ। तो इसी प्रकार मेरे किसान भाइयों, मैं आपके लिए ये केचुआ खाद कैसे तैयार करा जाता है वो मैंने विधि बता दी है। केचुआ खाद के अंदर खेत के जितने भी खरपतवार है और भी घास फूस है, गोबर के अंदर मिला के और केचुआ खाद का प्लांट लगाए, जिससे आपको बहुत ही अच्छा कंपोस्ट देखने को मिलेगा और आपकी ऑर्गेनिक खेती भी होगी। मेरे किसान भाइयों, भारत के अंदर सभी किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, वो डायरेक्ट अगर पशुपालन का गोबर खेत में डालते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग डायरेक्ट गोबर ना डालें, केचुए खाद से गोबर को प्रोसेसिंग करके और उसका वर्मी कंपोस्ट बना के खेत में डालें, देखना बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे ही मेरे किसान भाइयों, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि आगे मैं वीडियो और बनाऊँ, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल फ्री रहता है। और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।